नमस्कार। शाम के 7 बज गए हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, यानी कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ खास का। तो दिनभर की भागदौड़ के बाद जाहिर सी बात है आप भी ये जानना चाहते हैं कि आज दिनभर खास क्या हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबर। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि चुनाव आ गए हैं और ऐसे में मोहंत सरकार ने चल दिया है डीए वाला दाव। और दूसरी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में क्राइम ही क्राइम, 5 शहर क्राइम से दहल गए। कहां क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे। एक बार फिर से कांग्रेस की डगर कठिन क्यों हुई है, कैसे हुई है, इसकी भी जानकारी आपको इस बुलेटिन में मिलेगी। चौथी बड़ी खबर, नींबू ने स्वाद बिगाड़ दिया है घर का, कैसे बिगाड़ा है ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही पांचवी बड़ी खबर है, आने वाली है दूसरी लिस्ट, कांग्रेस की दूसरी लिस्ट कब आने वाली है, कितने प्रत्याशियों का होगा सब आपको पता चलेगा। और चुनावी शोर, तबादले घनघोर, किसके और कहां तबादले हुए हैं वो भी आपको इस बुलेटिन में हम बताएंगे। और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि रेत पर रार कहां छिड़ी है। और आइए अब देखते हैं तमाम खबरों को विस्तार से। तो मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बदमाशों के हौसले बुलंद हो चले हैं। आए दिन कहीं ना कहीं मारपीट, कहीं गुंडागर्दी, हंगामे और चाकूबाजी की घटनाएं सामने आती रहती है। हम आपको मध्य प्रदेश की 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली, दूसरी और तीसरी तस्वीर है राजधानी भोपाल की, जहाँ पहली तस्वीर में नशे में धुत युवकों ने आज भोपाल एम्स में जोरदार हंगामा किया, एम्स के गार्ड के साथ मारपीट की और उसके ऊपर ऑटो भी चढ़ा दिया। दूसरी तस्वीर भी भोपाल से, जहां राजधानी पुलिस पर 24 दुकानदारों से मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगा है। तीसरी तस्वीर भी भोपाल की, जहां टीला जमालपुरा में इबाम को हटाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत फायरिंग किया गई। चौथा मामला ग्वालियर का, जहां युवकों ने अपने दोस्त के घर में घुसकर गोली चला दी, हालांकि एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं पांचवी और आखिरी तस्वीर इंदौर की, जहां बाइक हटाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक बदमाश ने सैलून संचालक पर चाकू से हमला कर दिया। और अब हम आपको दिखाएंगे प्रदेश में हुए दो अलग अलग प्रदर्शनों की तस्वीरें। जबलपुर की मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक बार फिर नर्सिंग छात्रों ने परीक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। यहां पिछले 4 साल से नर्सिंग के एग्जाम्स ही नहीं हुए, जिसको लेकर के छात्र नाराज हैं। वहीं शाजापुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी गौ तस्करी को लेकर सड़क पर उतरे और मक्सी में बाईपास पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। और बड़ी खबर आपको दमोह से बता दें, जागेश्वरनाथ मंदिर में महिला की मौत हो गई है। दर्शन करते समय अचानक महिला की मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बादकपुर के मंदिर की यह घटना है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो आप देख सकते हैं ये मंदिर है बांदकपुर का, ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है दमोह का। यहाँ पर एक महिला दर्शन करने के लिए जाती है भगवान के, और उसी दौरान उस महिला की अचानक मौत हो जाती है। हालांकि पुलिस और इसके साथ ही डॉक्टर्स अब जांच कर रहे हैं कि अचानक महिला की मौत क्यों हुई है, क्या कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक उन्हें आया है। देखते देखते महिला नीचे गिर जाती है। ये सब कुछ कैद हो गया मंदिर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में। और अगली ब्रेकिंग सतना से आपको बता दें, विद्युत विभाग में बिजली काटने को लेकर विवाद हुआ है। आउटसोर्स कर्मचारी और उपभोक्ता के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सामने आया है। कोतवाली थाना क्षेत्र की एक घटना है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरह से विद्युत विभाग में बिजली काटने को लेकर जोरदार विवाद हुआ है, जमकर मारपीट की गई है। तो एक तरफ उपभोक्ता, दूसरी तरफ आउटसोर्स कर्मचारी, काफी धक्का मुक्की हुई है, मारपीट हुई है। आप देख सकते हैं हाथ में लाठी डंडे छड़ी भी है, इसे मारने की कोशिश की जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। और आइए अब आपको दिखाते हैं पिटाई का लाइव वीडियो, जिसमें 3 युवक एक युवक को इतना मारते हैं कि वो अधमरा हो जाता है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वायरल होने के बाद पीड़ित युवक का जिला अस्पताल में इलाज जारी है और उसकी जान। सागर में 3 युवकों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर अधमरा कर दिया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित युवक का जिला अस्पताल में इलाज जारी है और उसकी जान खतरे से बाहर बताई जा रही है। जो व्यक्ति गाली गलौज होने से किसी बात पे ये झगड़ा शुरू हुआ,
और फिर तीन लोगों ने इस व्यक्ति की मारपीट की है, उसका इलाज चल रहा है। उनकी तरफ से FIR ले ली और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जेल में। जानकारी के अनुसार घटना मोतीनगर थाना क्षेत्र के रामबाग इलाके की है, जहां पीड़ित युवक मयंक भट्ट का विवाद पड़ोसी युवकों से हो गया था, जिसके चलते युवकों ने पीड़ित की बेरहमी से पिटाई कर उसे अधमरा कर दिया और भाग गए। घटना का वीडियो सामने आने के बाद आरोपी युवक जितेंद्र चंदेल, दीपक रजक और दीपेश विश्वकर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पीड़ित युवक मयंक भट्ट का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए 4% महंगाई भत्ता यानी कि DA बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। तो कब से और कैसे मिलेगा कर्मचारियों को बढ़ा हुआ DA, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने आचार संहिता लगने के एक दिन पहले कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया है। अब महंगाई भत्ता 42 से बढ़कर 46% मिलेगा। जारी आदेश में वित्त विभाग ने कहा है कि कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से 4% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ मार्च महीने के वेतन के साथ अप्रैल में होने वाले भुगतान में किया जाएगा, जबकि 1 जुलाई से 29 फरवरी तक की राशि का भुगतान 3 समान किश्तों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कठिन समय में भी महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रयास किया है, आने वाले समय में इससे और भी ज्यादा बढ़ोतरी की जाएगी। अधिकारी कर्मचारियों के लिए वर्तमान जो महंगाई भत्ते की दर 42 है उसको 46% करने की हमने निर्णय किया है और ये सातवें वेतनमान के अंतर्गत 1 जुलाई 2023 से इसको मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। हमने अपने स्रोत से ये सुविधा देने का प्रयास किया है, उम्मीद करेंगे आने वाले समय में इसमें और वृद्धि करें। ये राशि जुलाई, अगस्त, सितंबर साल 2024 में एरियर के रूप में जमा की जाएगी। दरअसल लंबे समय से कर्मचारी डीए में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। गुरुवार को ही कैबिनेट की बैठक में कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इस पर सरकार मुहर लगाए और शुक्रवार को मोहन सरकार ने कर्मचारियों को ये बड़ी राहत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। वहीं प्रदेश में आचार संहिता से पहले बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई। यहां 47 IPS अधिकारियों के तबादले किए गए, कई जिलों के SP बदले गए हैं। छतरपुर SP अमित सांघी का ट्रांसफर कर दिया गया है, मनोज कुमार राय को खंडवा SP बनाया गया है, अभिषेक आनंद को श्योपुर SP, डिंडौरी SP अखिल पटेल को हटाकर वाहनी सिंह को SP बनाया गया। वहीं निवेदिता गुप्ता सिंगरौली SP बनाई गई है, जबकि सुबह 37 IAS अधिकारियों के भी तबादले किए गए। गुना के कलेक्टर बने हैं अब सत्येंद्र सिंह, तरुण भटनागर को शहडोल का कलेक्टर नियुक्त किया गया है, सिंगरौली के कलेक्टर अब चंद्रशेखर शुक्ला होंगे, वहीं शहडोल संभाग के कमिश्नर बाबू सिंह होंगे और हरेंद्र नारायण को कमिश्नर बनाया गया है, भोपाल नगर निगम के आयुक्त ये होंगे। मुकेश चंद्र गुप्ता राज्यपाल के प्रमुख सचिव होंगे, राजभवन का ये पूरा काम संभालेंगे और विवेक पोरवाल को प्रमुख सचिव बनाया गया है लोक स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग का। तो लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और बस तारीखों का ऐलान होने ही वाला है, लेकिन उससे पहले तब तक भी कांग्रेस खुद को संभाल नहीं पा रही है। एक बार फिर लगा है कांग्रेस को जोर का झटका, कहां और कैसे देखिए रिपोर्ट में। बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार और इंदौर कांग्रेस के सीनियर लीडर पंकज संघ भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने दोनों नेताओं और उनके समर्थकों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। धामनोद की नगर पालिका की अध्यक्ष सीमा विष्णु पाटीदार भी बीजेपी में शामिल हुई। रीवा जिले के कांग्रेस पार्टी के 4 पदाधिकारी भी इस दौरान बीजेपी में शामिल हुए। हमारे अपने मध्य प्रदेश में तो एक तरह से ये एक अभियान चल रहा है, पूरे देश में सबसे ज्यादा परिवार कहीं बढ़ रहा है सभी राज्यों में, तो हमारा मध्य प्रदेश दौरा। महू के क्षेत्र के ताकतवर नेता अंतर सिंह दरबार और इंदौर के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज संघ भी, टीकमगढ़ के अंदर 8 हमारे पद के सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अंतर सिंह दरबार और पंकज सिंघवी ने कांग्रेस नेतृत्व पर राम मंदिर का न्योता ठुकराने से खुद को आहत बताया, साथ ही जीतू पटवारी पर भड़ास निकाली। निमंत्रण को जो है वो ठुकरा रहे हैं, ये गलत है, सबको ठेस पहुंचेगी, किसी को भी, एक आम आदमी को भी ठेस पहुंचेगी जो भगवान राम में आस्था रखता है। जिन्होंने भी मंदिर का बारे में बोला वो गलत था, भगवान राम सबके आराध्य है।
एक के बाद एक कांग्रेस के नेताओं का कांग्रेस से मोहभंग होना आने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीसी 24। लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस 18 मार्च को अपनी दूसरी लिस्ट जारी करेगी और इस बात की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दी। उन्होंने बताया कि 18 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी, जिसके बाद 18 प्रत्याशियों का ऐलान होगा। कांग्रेस पहले ही अपनी लिस्ट में 10 लोकसभा सीटों पर नामों का ऐलान कर चुकी है, जबकि खजुराहो सीट इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी गई है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वाले लोगों पर भी जीतू पटवारी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी में जाने वाले 80% कांग्रेस नेताओं को कांग्रेस पहले ही पार्टी से बाहर कर चुकी थी। उधर बीजेपी ने भी जीतू पटवारी के इन तमाम आरोपों पर पलटवार किया। प्रत्याशी आपके रुके हुए कब तक आ जाएंगे? 18 तारीख के दिन शाम तक 100% कांग्रेस पार्टी के सारे प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। नहीं, ये तो ऐसा हर परीक्षार्थी जिसकी तैयारी नहीं हो, चुनाव वो परीक्षा से भागना चाहता है। रोज उनके खेमे में भगदड़ होती है। 2-3 पूर्व विधायक, कुछ जनपद अध्यक्ष, कुछ जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। जीतू पटवारी को उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि चुनाव टालने पे। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही मध्य प्रदेश के निवाड़ के साथ कई इलाकों में नींबू के भाव में तेजी आ गई है। गुरुवार को सब्जी मंडी में अच्छा नींबू 250 रुपए प्रति किलो की रिटेल के दर पर बिका। वहीं फुटकर में एक बड़े नींबू का रेट 10 रुपए तक रहा। कुछ दिन पहले नींबू 80 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा था, लेकिन बढ़ती गर्मी के साथ ही नींबू के भाव में भी उछाल देखा जा रहा है। देखिए, मौसम में गर्माहट बढ़ते ही अब नींबू ने अपने भाव जो है वो तेज कर लिए हैं। इस वक्त हम इंदौर के एक मंडी में मौजूद हैं, जहां पर जब हमने नींबू के भाव पूछे तो यहां पता चला कि 10 का एक और 20 के 3 नींबू जो है वो मिल रहे हैं। और यही कारण है कि अब जो लोग हैं उन लोगों ने नींबू की खरीदी फिलहाल कम कर दी है, और वो इसलिए क्योंकि नींबू फिलहाल भाव बढ़ा रहा है। गर्मी आ चुकी है, ऐसे में घर में शरबत बनने शुरू हो चुके हैं और साथ ही में ठेलों पर भी भीड़ हमें देखने को मिली है, चाहे वो गन्ने के रस हो या नींबू का शरबत ही क्यों ना हो। ऐसे में कई ऐसे स्टॉल भी हैं जहाँ पर नींबू फिलहाल हमें देखने को भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसकी आवक जिस तरह से बता रहे हैं कि कम है। दीदी, क्या भाव चल रहा है नींबू? 10 का 1 है 20 के 3। अच्छा, क्या कारण है कि इतना महंगा है? माल नहीं आ रहा ना, कम आ रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि गर्मी के कारण यहाँ का भाव बढ़ रहा है? हाँ हाँ, ना गर्मी के कारण आपको लगता है गर्मी के कारण यहाँ पर नींबू की मांग कम हो गई है? नहीं नहीं, वो नींबू की मांग तो गर्मी में ज्यादा ही रहती है, गर्मी में तो ज्यादा ही रहती नींबू की मांग, क्योंकि तो आवक के कारण आपको लगता है भाव बढ़ गए होंगे? बिल्कुल, आवक कम होगी तो भाव तभी बढ़े हैं। बिल्कुल, तो आवक के कारण यहाँ पर एक बड़ा कारण जो है वो नींबू के भाव को माना जा सकता है। और आप देख सकते हैं स्टॉल्स जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर कई ऐसे स्टॉल्स है जहाँ पर हमें नींबू का नामो निशान भी देखने को नहीं मिल रहा है। आपको लगता है कि गर्मी के कारण यहाँ पर? गर्मी के कारण शायद हो सकता है कि ये नींबू का भाव इतना महंगा हो रहा है, हर साल होता है। अच्छा, फिलहाल आपने नींबू लिए ही नहीं है? मैंने अभी नहीं, बहुत ज्यादा महंगे, 10 रुपए का एक बहुत महंगा पड़ता है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं नींबू फिलहाल महंगा है, इसलिए लोग उसको खरीद भी नहीं रहे हैं। तो यही कारण है गर्मी जो है, आने वाला रमज़ान जो है या नवरात्रे हैं, इसके कारण नींबू की मांगे जो है वो भी मार्केट में आ जरूर रही है, लेकिन दाम को देखते हुए लोग जो है वो फिलहाल उसकी खरीदी नहीं कर रहे। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। इंदौर के आरर कैंट में घूम रहे तेंदुए को आखिरकार पकड़ लिया गया है। रेस्क्यू के बाद वन विभाग की टीम तेंदुए को कमला नेहरू जू लेकर आई, जहां उसका मेडिकल परीक्षण किया गया। तेंदुए को जल्द से जल्द रिलीज कर दिया जाएगा। इंदौर के आरआर कैट में पिछले दिनों तेंदुआ जो था वो नजर आया था, और ऐसे में लगातार वन विभाग द्वारा उस तेंदुए को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी के चलते आज वन विभाग को तेंदुए को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है, और ऐसे में तेंदुए को पकड़कर जू लाया गया है। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय लाया गया है, जहाँ पर डॉक्टर उत्तम यादव जो कि जू प्रभारी है उनके द्वारा उसकी टेस्टिंग भी की गई है। क्या कुछ पूरा मामला है वो खुद हमें यहाँ पर मौजूद डॉक्टर उत्तम यादव बताएंगे। सर, पिछले कई दिनों से लगातार उस तेंदुए को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही थी, से में आज वो तेंदुआ हमारी कैद में आया। हाँ, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना थी कि वहाँ पर 2 से 3 लेपर्ड का मूवमेंट है, उन्होंने बताया था जहाँ जिन लोगों ने देखा था। यहाँ की टीम गई थी, उन्होंने सर्च किया और पगमार्क और जो विस्टा था उससे पता चला कि तेंदुआ तो है यहाँ पे। उन्होंने उसे अकॉर्डिंगली ट्रैप केज लगाया उसमें, और एक तेंदुआ आज उसमें ट्रैप हुआ है। उसको रेस्क्यू करके जू में लेके आए थे फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। आज मैंने फिजिकल एग्जामिनेशन किया उसका लाने के बाद, और पूरी तरह से उसको फिट पाया है।
उसको किसी भी तरह की फिजिकल एबनॉर्मलिटी या फिजिकल इलनेस वगैरह नहीं है उसको, और उसको रिकमेंड किया है कि जितना जल्दी हो सके डेंस फॉरेस्ट में उसको रिलीज कर दिया जाए। बिल्कुल, तो जैसे कि आप देख सकते हैं तेंदुए को यहाँ पर पकड़ कर लाया गया है और उसकी टेस्टिंग जो है वो भी की गई थी। टेस्टिंग में वो पॉजिटिव यानी कि एकदम फिट पाया गया है और ऐसे में उसे जल्द से जल्द फॉरेस्ट में छोड़ने की बात की गई क्योंकि वो काफ़ी बड़ा तेंदुआ है, 8 से 10 साल की उसकी एज है और ऐसे में वो काफ़ी एग्रेसिव था, तो ना अपने आप को चोट पहुँचाए किसी और को चोट पहुँचाए, इसलिए उसके मद्देनज़र उसे जल्द से जल्द फॉरेस्ट में छोड़ने की बात जो है वो जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव द्वारा की गई है। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे देखिए छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट, राहुल सिन्हा के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।